अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग सब? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए भाई, हमारी बकरीद आ चुकी है। बकरीद की बड़ी ज़ोरों शोरों से हर जगह तैयारियां चल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर आपको एक अच्छी सी रेसिपी दे दी जाए। वैसे तो बहुत सारी रेसिपी आपने देखी होगी, लेकिन आप एक बार मेरी तरीके से भी रेसिपी ट्राई करके जरूर, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो फ्रेंड, ये देख सकते हो आप, मैंने गोश्त ले लिया है। ये बोनलेस गोश्त मैं लेकर आई थी, 1 केजी। 1 केजी मीट है ये। आप चाहो तो मटन भी ले सकते हो। इसे मैंने घर में ही जो है छोटे छोटे पीस कर लिए, क्योंकि मैं लाई थी कुछ और सोचकर, मगर घर वालों की और बच्चों की फरमाइश पर जो है मैंने इसे, मतलब वो बोलने लगे शामी कबाब चाहिए, तो चलिए मैंने बोला बना ही देते हैं शामी कबाब, क्योंकि घर वालों को सबको ये बहुत पसंद आते हैं, बच्चे बड़े छोटे सभी। तो भाई, कबाब बनाने के लिए आप सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि आपको फ़ैट डलवाना है, क्योंकि कबाबों का असल मज़ा जो है वो फ़ैट से ही आता है, क्योंकि वो अपने खुद के फैट में जब फ्राई होते हैं ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक कबाब बनते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है 1 केजी मीट के लिए मैंने 200 ग्राम यानी 200 ग्राम मैंने चने की दाल ले ली है, और इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके मैंने इसे भिगो दिया है। भिगोने के बाद जो है, अब ये भिगो कर मुझे कम से कम आधा घंटा हो चुका था। अब दाल जो है अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम इसे जो है गोश्त में ऐड कर देंगे मीट में। तो दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है पूरी तरह से, ताकि गोश्त में अच्छी तरह से वो गल जाए। अब हम कुछ हरे मसाले ले लेंगे, जिसमें मैं जो है एक बड़ी मैंने प्याज ले ली है, जिसे मैंने रफ चॉप कर लिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली है, और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। और फ्रेंड्स, आप हमेशा देखिए कि अदरक जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी लोग अक्सर डालते हैं, लेकिन जब आप खड़े मसाले डालोगे ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसी के साथ जो है हम कुछ सूखे मसाले ले लेंगे, जिसमें तेज़पत्ता, कुछ 10-12 काली मिर्चें ले ली है, लौंग ले ली है 2-4, और एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, एक टेबल स्पून जीरा, आधा टीस्पून सौंफ, और 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने धनिया ले ली है, और 2 तेज़पत्ते ले लिए हैं। अब थोड़ा मैं घाई घाई में बोल रही हूँ, तो अगर कुछ 19-20 हो जाए तो प्लीज़ सॉरी, नज़रअंदाज कर देना। तो अब हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो हमने नमक, मतलब खाने के हिसाब से हमने नमक डाल दिया है, ज़रूरत के हिसाब से। अब हम पानी ऐड कर देंगे, आधा ग्लास ही आपको पानी डालना है। अब हम लिड लगाकर इसे कम से कम 2 से 3 विसल ले लेंगे। तीसरी विसल आने से पहले ही मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे गोश्त के पीस है, और अगर खीमा आप लोगे तो आप और भी जल्दी 2 सीटी पर ही, क्योंकि अक्सर गोश्त जो होते हैं अलग अलग किस्म के होते हैं, मतलब कोई जल्दी गल जाता है, कोई लेट गलता है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। तो ये देखिए गोश्त गल चुका है अच्छे से, तो मैंने गैस को बंद कर दिया। अब इसे पहले मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये बहुत अच्छी तरह से जो है ग्राइंड हो जाएगा। इसमें जो तेज़ पत्ते हैं वो मैं निकाल लूँगी, और जो बड़ी इलायची है वो भी मैंने निकाल लिया था। तो देखिए ये हल्का सा गर्म ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, अभी थोड़ा सा स्टिकी है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे ये ठंडा होगा और भी ज़्यादा अच्छे से, मतलब बाइंडिंग होने में कोई भी टेंशन नहीं होगा। और देखिए कितना रेशेदार कबाब बन रहे हैं, मतलब आप देख सकते होंगे कि गोश्त के जो पीस है वो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, रेशे रेशे। तो उसके साथ कुछ मसाले हम और ऐड कर देंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने टोमेटो कट कर लिया है, 2 से 4 हरी मिर्चें हैं, धनिया है, एक मुट्ठी भर के धनिया है, और पुदीना है, 1 अंडा है, और 1 नींबू का रस है। तो मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अंडे को आप कभी भी जो है पहले कटोरी में फोड़ के देखिए, वरना कभी कभी अंडा जो होता है वो ख़राब निकल जाता है, डायरेक्ट कभी नहीं डालना चाहिए। अब आप नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक कभी अगर नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए, अगर मुझे कम लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल लिया। अब हम सब बैटर को जो है अच्छी तरह से हम इसकी बाइंडिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब ये थोड़ा सा स्टिकी रहता है, तो हमें जो है तेल को जो है हाथों पर लगा लेना है, और इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बना लेना है, तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अच्छे से इसकी ऐसी टिक्कियाँ बनाकर अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो मसाला है वो सारा पका हुआ है, सिर्फ जो हमारा अंडा है उसमें वही एक कच्चा है, तो अंडा तो फ्राई होने में टाइम नहीं लगता है, तो बस हर 1-2 मिनट के बाद जो है हम इसे अलट पलट करके फ्राई करते जाएंगे। हमें इसे बिल्कुल भी शैलो फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई ही करना है। आप चाहे तो तवे पे कीजिए, चाहे तो फ्राई पैन में कीजिए, तो इस तरह से आपको फ्राई करना है। और माशाल्लाह से इतने अच्छे कबाब बने थे, जो मसाले, जो अच्छे मसाले मैंने डाले थे, मैंने पेस्ट नहीं डाला था, तो आप यकीन मानेंगे इतना अच्छा टेस्ट आया था ना, बहुत माशाल्लाह से, सच बता रही हूँ, मतलब अभी भी मुझे इसका मज़ा ही याद है। बहुत अच्छे कबाब बने थे, और इस 1 केजी मीट में मेरे लगभग 50 के करीब मेरे कबाब बने थे, मतलब 50 के अंदर ही थे, 45 अबो ही थे। तो मैंने जो है इसे 2 दिन चलाया था, क्योंकि बच्चे जो है बोल रहे थे कि मम्मी हम लोग टिफ़िन में भी ले जाएंगे, तो मैंने उनको टिफ़िन में दिया था, जाकिर भी ऑफिस लेकर गए थे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह मेरा कबाब बन के रेडी है, आप देख सकते होंगे, आप उसके ऊपर का जो, आप उसकी शाइनिंग देख कर ही समझ गए होंगे कि कितने टेस्टी बने।
तो आप भी एक बार मेरी तरह से कबाब बनाइए, आपको इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगी और आप हमेशा इसी तरीके से बनाओगे, क्योंकि ये मेरी ना मम्मी की रेसिपी है। मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी बुआ सब ऐसे ही बनाया करते थे, तो उन्हीं से मैंने ये सीखा है। और मैं जब भी बनाती हूँ तो यही तरीके से बनाती हूँ। अभी कभी दूसरी बार मैंने यहाँ वहाँ से देख कर मैंने बना भी लिया दूसरे तरीके से, तो मुझे इतने पसंद नहीं आए थे जितने मतलब ये थे। तो आप लोग भी बनाइए, देखिए माशाल्लाह से बहुत रेशेदार बनते हैं, बहुत जूसी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ खाइए, नींबू निचोड़ कर, प्याज के साथ, पाव के साथ खाइए या नान के साथ खाइए, आपको रोटी के साथ भी आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। चैनल पर एक बार फिर से विजिट ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब